नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ दीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। खबर जनपद गाजीपुर से, जी आपको बता दें कि ब्लॉक सदर तहसील सैदपुर में ग्राम प्रधान सैदुर के साथ मारपीट व गाली गलौज का मामला सामने आया है। जी आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख केवला देवी के पत्नी संतोष यादव ब्लॉक पर जबरदस्ती वोटिंग करवा रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधानों से प्रमाण पत्र मांग रहे, जिसका विरोध बड़ा गांव ग्राम सभा के प्रतिनिधि सुरेंद्र यादव ने किया तो उनके साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगे। उसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बोला सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, सभी प्रधान संघ के प्रधान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि कोई भी किसी को भी अपना प्रमाण पत्र न दे और हमसे प्रमाण पत्र जबरदस्ती संतोष ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि केवली देवी हमसे जबरदस्ती मांग रहे थे और हम मना किए कि हमने किसी को प्रमाण पत्र न दिया है न दूंगा। इसी बात पे हमको गाली दे करके मारपीट करने लगे, हमारे साथ मारपीट पे आमादा हो गए, गुंडे ही कर रहे हैं। इस लोकतंत्र की व्यवस्था में राज जहां संविधान का राज है, कानून का राज्य है, वहां पे राजतंत्र की व्यवस्था की तरह जबरदस्ती वोटिंग करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्ती मार कर रहे हैं। जबकि हम खुद कहें कि भैया हमको जहां वोट देना है हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग साथ में रहेंगे, हम प्रमाण पत्र किसी को भी नहीं देंगे, चाहे वो जो हो। हमारा प्रमाण पत्र हमारी बड़ा गाँव की पूरी ग्राम सभा के ने चुना है, पूरी ग्राम सभा की जनता का अधिकार है मेरे पे। और मैं सारी ग्राम सभा की जनता की तरफ से उनसे अनुरोध किया कि आप इस तरह का कोई बर्ताव मत करिए, लेकिन वो मुझे गाली देते रह गए, मारपीट पे आमादा हो गए, पूरे ब्लॉक में प्रधानों के सामने मुझसे मारपीट किए, मुझसे जबरदस्ती वो प्रमाण पत्र देने की बात की है जिस पे मैं असहमत था। लेकिन ये इस तरह की गुंडई है, ये लोकतंत्र में इस तरह की गुंडई है। तो बताइए आगे इस समय इस तरह की स्थिति है कि अपने ही लोग इस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, तो आगे भविष्य में हम लोगों का क्या जीवन रहेगा और कैसे हम लोग इस जीवन को यापन कर पाएंगे। इस तरह की गुंडई ये लोग अपने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बन करके बैठे हुए हैं और कर रहे हैं। दूसरे केवली देवी हैं प्रमुख और ये उनके प्रतिनिधि बन के बैठ करके गुंडई कर रहे हैं। और हम लोग इस जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे इस तरह की गुंडई नहीं चलने देंगे, चाहे कुछ भी होगा, क्षेत्र में, समाज में, जिले में, प्रदेश में, कहीं भी होगा, किसी भी स्तर पर ससवेंद्र यादव लड़ने का काम करेगा।